आपने सपोर्टर या फिर लंगोट नहीं पहना तो आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपके टेस्टिकल्स में पानी जा सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आपके लिए एक्सरसाइज के दौरान सपोर्टर या लंगोट पहनना ज़रूरी है या नहीं है, आज हम इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोर्टर की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। 1874 में शिकागो में जो बाईसाइकिल राइडर थे वहाँ पर साइकिल चलाते थे, जो स्पोर्ट्स इवेंट होते थे उनके साइकिल के, तो वहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण उनके टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम आ जाती थी। इसीलिए वहाँ की जो स्पोर्ट्स कंपनी है उन्होंने अपना दिमाग लगाया और सपोर्टर की शुरुआत की ताकि उनके टेस्टिकल्स ज़्यादा हिले डुले ना, फिक्स रहें और उसमें इंजरी के चांसेस ना बढ़ें। वैसे तो क्रिकेट जैसे गेम में भी सपोर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें एल गार्ड भी लगाया जाता है ताकि बॉल गलती से टेस्टिकल्स पे ना लगे और इंजरी ना हो। अब आते हैं दूसरी तरफ कि आपको एक्सरसाइज या वर्कआउट रूटीन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं उनका जो प्राइमरी काम होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन करना और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करना होता है। टेस्टिकल्स का टेम्परेचर जो होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल। वहीं पर अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर से भी 3 डिग्री तक इसका टेम्परेचर कम होता है। तो 1984, 2001, 2013 में स्टडी कंडक्ट की गई कि अगर आपका जो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री तक कम रहता है, मतलब अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, तो वो अच्छे से जो स्पर्म प्रोडक्शन है और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो अच्छे से कर पाता है। लेकिन वहीं उस स्टडी में कहा गया कि अगर 5 डिग्री से कम हुआ, मतलब 32 डिग्री तक वो गया, तो उसको उसमें कंडीशन आ जाएगी जिसको कि हाइपोथायरेमिया कहा जाता है, जिसमें कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो सक्षम नहीं होंगे स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। लेकिन जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो जब हम लंगोट को बांधते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है उसमें हीट बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक लॉजिकली एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको ढेर सारे कपड़े पहना दूं या फिर मैं ये कहूं कि मैं आपको गर्मी में जैकेट पहना के बाहर निकाल दूं, तो आपको हीट स्ट्रोक आ जाएगा या फिर हीट एग्जॉशन जैसे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम वही आपके टेस्टिकल्स के साथ होता है। तो लॉजिकली सोचने वाली बात यही है कि ये ऑर्गन पार्ट आपका बाहर की साइड क्यों है, ताकि उस पर हवा लग सके ठीक से और उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके। इसीलिए हमारे जो कल्चर है पहले से उसमें धोती का इस्तेमाल किया जाता था। आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने की भी ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से आपको सपोर्टर या लंगोट की ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज के दौरान। अगर आप करेंगे एक्सरसाइज के दौरान सपोर्टर या फिर लंगोट का इस्तेमाल, तो आपको जो आपका स्पर्म प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा, प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। उसमें ना तो ज़्यादा हीट जनरेट होनी चाहिए ना ज़्यादा उनका टेम्परेचर कम होना चाहिए। और रही बात, लोग कहते हैं कि पहलवान लोग जो इस्तेमाल करते हैं यार, वो इसलिए यूज़ करते हैं इसका ताकि उनके जो टेस्टिकल्स है वो इवेंट के दौरान, उनका जो कंपटीशन होता है उसके दौरान किसी के हाथ में ना आए, इसीलिए। तो मेरे हिसाब से तो सपोर्टर और लंगोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं भी 3-4 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, मैंने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। बस वीडियो इतनी थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।